फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं दो क्वेश्चंस। देखिए, आप दोनों ही बहुत आसू क्वेश्चन हैं और एक नंबर प्रॉब्लम्स हैं, दोनों एक जैसी प्रॉब्लम है। तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि पहले मैं ए कर दूंगा, आप इसका जो बी पार्ट है वो सेल्फ सॉल्व करें और मुझे लिख के बताएं कि आपने पार्ट ए के बेसिस पे बी पार्ट सॉल्व कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो देखिए, हम पार्ट ए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पार्ट ए सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत होगी दोस्तों। वो फार्मूला है कॉस थ्री थीटा का। कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। इस फार्मूले के बेसिस पर कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू निकाल लें। तो इसके बेसिस पे कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना है तो माइनस थ्री कॉस थीटा को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये आ जाएगा कॉस थ्री थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है फोर कॉस क्यूब थीटा, तो फोर को नीचे भेज देंगे तो ये आप हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस क्यूब थीटा की। इसी तरीके से इस प्रॉब्लम के लिए आपको साइन थ्री थीटा का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। तो ये प्रॉब्लम इस फार्मूले से होगी और ये प्रॉब्लम इस फार्मूले से होगी। इससे आप साइन क्यूब थीटा का वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने यहाँ कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू निकाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड कॉस क्यूब ए का वैल्यू इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हो जाएगा कॉस थ्री ए प्लस थ्री कॉस ए अपॉन फोर प्लस कॉस क्यूब ए प्लस 120 डिग्री। थीटा की जगह ए प्लस 120 डिग्री, ए प्लस 120 डिग्री, ए प्लस 120 डिग्री लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 3 इंटू ए प्लस 120 डिग्री प्लस ये थीटा की जगह यहाँ भी ए प्लस 120 डिग्री रखेंगे, ए प्लस 120 डिग्री 3 कॉस ए प्लस 120 डिग्री होल अपॉन 4। और एक टर्म दोस्तों अभी और बची हुई है, वो टर्म है आपकी कॉस क्यूब ए प्लस 124 डिग्री, वो भी इस तरीके से होगी। तो वो यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉस क्यूब ए प्लस 240 डिग्री, उसमें 240 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका कॉस, देखिएगा कॉस 3 इंटू ए प्लस 240 डिग्री प्लस 3 टाइम्स कॉस ए प्लस 240 डिग्री होल अपॉन 4। अब इन तीनों में से ये तीन टर्म है आपके पास, टर्म नंबर वन, ये है आपकी टर्म टू और ये टर्म थ्री। इन तीनों में से क्या कॉमन निकल रहा है आप देख सकते हैं, इन तीनों में से कॉमन निकल रहा है 1/4। तो तीनों में से मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट कॉस थ्री ए प्लस थ्री कॉस ए प्लस इधर थ्री मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थ्री ए प्लस 120 डिग्री इंटू थ्री 360 डिग्री प्लस थ्राइस कॉस ए प्लस 120 डिग्री। अब इस तीन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a प्लस सॉरी ये 3a प्लस 720 डिग्री कॉस 3a प्लस 720 डिग्री थ्री मल्टीप्लाई करने से प्लस जो ये टर्म है 3 कॉस a प्लस 240 डिग्री 3 कॉस a प्लस 240 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखें कि कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है उसके लिए एक बार क्वाड्रेंट का थोड़ा सा छोटा सा सिस्टम समझते हैं कि क्वाड्रेंट क्या कहता है। क्वाड्रेंट कहता है आपको कि
देखिए यहाँ क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री हो गया। और दूसरा रोटेशन जब एक बार और लेंगे तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। तो 360 डिग्री का बिहेवियर मोर और लेस 0 डिग्री जैसा होता है। तो इसको आप 0 डिग्री मान सकते हैं और इसको भी आप 0 डिग्री मान सकते हैं। तो कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, आप यहाँ से देखें कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा, ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस 720 डिग्री प्लस थीटा, इसमें है 2360 डिग्री, 2 × 360 डिग्री, तो ये भी आपका वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप देखें तो ये जो वैल्यू है आपकी कॉस 3 हो जाएगी और कॉस, ध्यान से देखें, 1/4 ब्रैकेट कॉस 3a प्लस 3 cos a प्लस कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो कॉस 3a प्लस, ये देखिए 3 टाइम्स कॉस ए प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस 3a प्लस 720 डिग्री। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉस 72 डिग्री प्लस थीटा भी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये भी आपका बन जाएगा कॉस 3a, ये हो गया आपका कॉस 3a। प्लस एक टर्म और बची हमारे पास, वो टर्म है 3 कॉस a प्लस 240 डिग्री। तो 3 कॉस a प्लस 240 डिग्री। कॉस 3a अब देखिएगा, कॉस 3a आपके पास 3 आ चुके हैं, कॉस 3a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 ब्रैकेट 3 कॉस 3a प्लस, अब इन इन में 3 cos a प्लस 120 डिग्री और 3 cos a प्लस 240 डिग्री, इसमें से 3 कॉमन ले लें। तो ये 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस cos ऑफ a प्लस 120 डिग्री प्लस cos ऑफ a प्लस 240 डिग्री। अब जो हमें प्रूव करना है, 3/4 cos 3a, तो 3/4 cos 3a लगभग आ चुका है। देखिए 1/4 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 cos 3a। तो इसका मतलब है ये वाला जो बचा हुआ पार्ट है, दिस पार्ट शुड बी 0, ये पार्ट का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये पार्ट का वैल्यू 0 होने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये देखिएगा क्या होता है हमारे पास, ये हो गया आपका 3/4 cos 3a, ओपन कर दिया ब्रैकेट, प्लस 3/4 cos a, इसे cos a प्लस b फॉर्मूले से ओपन कर लें, cos a cos 120 डिग्री माइनस sin a sin 120 डिग्री प्लस cos a cos 240 डिग्री माइनस साइन ए साइन 240 डिग्री, कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला यूज करने से। अब आपके पास है कॉस 120 डिग्री का वैल्यू, साइन 120 डिग्री और इनकी वैल्यूज का एक छोटा सा इश्यू। तो कॉस 120 डिग्री अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको याद है तो सो फार सो गुड, वरना आप इस क्वाड्रेंट का इस्तेमाल फिर से करेंगे। कॉस 120 डिग्री देखिएगा, cos 120 degree can be written as cos 90 degree plus 30 degree। अगर आपको इस तरीके के एंगल्स की प्रॉब्लम है तो इसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसे जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी आपको। cos 90 degree plus 30 degree, ये गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos है माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस, और एक 90 डिग्री है, 190 डिग्री, तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2।
साइन 120 डिग्री देखिए, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन गया सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड साइन इन सेकंड क्वाड्रेंट इज हैविंग पॉजिटिव साइन, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका आउटकम पॉजिटिव। और एक 90 डिग्री है जब साइन का वैल्यू मीन्स आउटकम चेंज होगा तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा रूट 3/2। इसी तरीके से अगर कॉस 240 डिग्री निकालना है तो कॉस 240 डिग्री को लिखेंगे कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री को आप चाहें तो 2 इंटू 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो कॉस गया कौन से क्वाड्रेंट में, कॉस गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस है माइनस का, और जब 2 इंटू 90 डिग्री मीन्स इवन 90 डिग्री होता है, इवन इंटू 90 डिग्री, तो उसका नेचर वही रहता है, मैंने मीन्स कॉस रिमेंस कॉस, साइन रिमेंस साइन, तो ये कॉस ही रहेगा 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है माइनस 1/2, साइन 60 डिग्री वन, साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री, इसको भी लिखेंगे साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी माइनस है और साइन भी माइनस है, तो साइन का माइनस है तो ये आउटकम हो जाएगा माइनस 290 डिग्री में, इसलिए इसका भी आउटकम जो रहेगा वो साइन में ही रहेगा, तो हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री माइनस रूट 3/2। तो दोस्तों ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ आती हैं तो आप इतना पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिएगा आप लेफ्ट हैंड साइड विल बी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3/4 कॉस 3 ए प्लस 3 इंटू ब्रैकेट कॉस ए कॉस ऑफ ए इंटू कॉस सॉरी कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस 120 डिग्री का वैल्यू आप देख ले माइनस 1/2, तो ये माइनस 1/2 माइनस साइन ए इंटू साइन 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू है, देख लीजिए आप साइन 120 डिग्री का वैल्यू है रूट 3/2, तो हो जाएगा रूट 3/2। आप आगे देखेंगे कॉस ए इंटू प्लस कॉस ए कॉस 240 डिग्री का वैल्यू है, कॉस 240 डिग्री का वैल्यू है माइनस 1/2, तो ये आ गया आपके पास माइनस 1/2 माइनस साइन ए और साइन 240 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 240 डिग्री का वैल्यू है माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बीइंग आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हैं एंड हैविंग अपोजिट साइन, तो दीज टू कैन बी कैंसल्ड, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो जो अब हमारे पास रिजल्टेंट आउटकम बचा है वो क्या बचा है, तो वो बचा है दोस्तों 3/4 कॉस 3a प्लस 3, इन तीनों में से कॉस ए आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉस ए कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस हाफ माइनस हाफ इज़ ज़ीरो होगा फुल, 1 माइनस 1 इज़ 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 कॉस 3a प्लस 3 कॉस ए इंटू 0, तो आंसर हो गया आपका 3/4 कॉस 3a। तो ये दोस्तों राइट हैंड साइड उस क्वेश्चन का, इसी तरीके से इन द सेम वे यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट, जो बी पार्ट था बी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इन केस इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू मे राइट टू मी, और अगर आप सक्सेसफुली उसको सॉल्व कर पाते हैं तो आप अपना कमेंट जरूर मुझे बताएं कि सर आपके बताई हुई मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सक्सेसफुली कर लिया। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का सलूशन, होप कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में अगर आपको आ गया है
तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन हो सके तो दबा दें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।